हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संत दरियादास जी की। संत दरिया का जन्म विक्रम संवत 1691 1634 ईस्वी में रविवार को आश्विन माह में बिहार, जो कि भारत में स्थित है, के रोहतास जिले के धारकांधा में हुआ था। उनका पालन पोषण हुआ और वह जीवन भर इसी स्थान पर रहे। ऐसा कहा जाता है कि संत का पैतृक स्थान राजपुर है, जो संत के मात्र स्थान धारकांधा से 10 मील की दूरी पर है। धारकांधा आरा से लगभग 35 मील की दूरी पर और सूर्यपुरा से लगभग 6 मील की दूरी पर स्थित है। संत उस समय उतरे जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और अंग्रेज अपने पैर मजबूत कर रहे थे। एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अशांति फैली हुई थी। जनता तत्कालीन स्थानीय शासकों की दया और पीड़ा सह रही थी। पश्चिम में मराठों की शक्ति बढ़ रही थी। चारों ओर नैतिक पतन था और लोग एक उद्धारकर्ता की तलाश में थे। उद्धारकर्ता संत दरिया में दृश्य पर दिखाई दिया। संत दरिया को अनादि पुरुष परमेश्वर ने लोगों को उनके दुखों से बचाने के लिए दुनिया में भेजा था। उन्होंने दुनिया के सामने मुक्ति का मार्ग, मुक्ति पंथ प्रस्तुत किया। उन्हें कई मौकों पर रूढ़िवादी संप्रदायों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दृढ़ संकल्प के साथ अपने मिशन में आगे बढ़े। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में प्रचलित कर्मकांड और झूठे सिद्धांत के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने मानव जाति के भाईचारे का उपदेश दिया। वह हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और सद्भाव के पक्षधर थे। संत दरिया को 20 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। जब दरिया एक महीने का था, तब सतपुरुष ने उनसे मुलाकात की और अपनी माँ को उनका नाम दरिया रखने की सलाह दी। सतपुरुष फिर से संत के पास आए और उनसे परिष्ट आत्माओं को बचाने के लिए उपदेश देने को कहा। सतपुरुष ने दरिया को आश्वासन दिया कि वह इस दुनिया में अपने अनुयायियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा और जब वह अपना नश्वर शरीर छोड़ देगा तो सतलोक में उनका स्थायी निवास सुनिश्चित करेंगे। संत दरिया ने अहिंसा का उपदेश दिया और वह किसी भी जीवित प्राणी की हत्या के खिलाफ थे। उनका विचार था कि जब तक करुणा का दीपक हृदय में नहीं जलता, तब तक कोई ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। संत ने अद्वैतवाद का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान के अवतार सिद्धांत के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सतपुरुष अनादि ब्रह्म त्रिगुण से परे है और वह कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। संत दरिया सदगुरु थे और केवल सदगुरु ही उस मार्ग को जानते थे जो निर्वाण, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे की अवस्था की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को संतों का सिद्धांत कहा। उनके वंश के साथ साथ जन्म और मृत्यु को लेकर भी विवाद है। उनके जन्म और मृत्यु की तारीखों के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। संत का एक संक्षिप्त उल्लेख फ्रांसिस बुकानन की शाहबाद रिपोर्ट में मिलता है, जो संत के परिनिर्वाण मृत्यु के केवल 30 साल बाद 1810 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले में धारकांधा गए थे। उनकी जन्म तिथि के बारे में कोई अन्य सिद्ध प्रमाण उपलब्ध नहीं है। संत का शब्द परेशान जीवों के कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संत ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक और सभी को उपदेश दिया। दोनों समुदायों के लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके शब्द 19 ग्रंथ पुस्तकों में संकलित हैं। संत एक उत्कृष्ट कवि थे और उन्होंने 15,000 पद छंद की रचना की। इन सभी पदों में कुल मिलाकर 37,000 पंक्तियां हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, जिन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री के लिए संत दरिया पर शोध पत्र प्रकाशित किया, उन्होंने संत की काव्य प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की। मध्यकालीन भारत में महान संत कवि संत दरिया, जिन्होंने प्रेम और मानव भाईचारे का उपदेश दिया, वह शुक्रवार को भादो महीने के चौथे दिन विक्रम युग 1800
1937 में अंतिम सांस ले चुके थे।